ओके okay, बच्चों तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर मैटर क्या है एंड इट्स क्लासिफिकेशन सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक इन योर केमिस्ट्री करिकुलम मैटर देखो भाई मैटर क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर मैटर क्या होता है सो एनीथिंग व्हिच विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरे विच ऑक्यूपाई स्पेस और जिसमें मास हो वो कम हो ज्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं इफ इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास देन इट इज कंसीडर्ड एज मैटर ओके अब बात हुई कि सर ठीक है मैटर हो गया मैटर कितने तरह के हो सकते हैं तो मैटर को इफ वी ट्राई टू क्लासीफाई देन देयर आर टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे कैसे भाई एक क्लासिफिकेशन बच्चों मैटर का यूं हो सकता है कि हम कहें कि दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन अब फिजिकल क्लासिफिकेशन से भी बात उतनी समझ नहीं आती है देखते हैं और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है बच्चों दैट इज योर केमिकल क्लासिफिकेशन तो ये फिजिकल केमिकल क्या है देख फिजिकल क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स मीन्स इफ वी ट्राई टू सी द मोलिक्यूल्स ऑफ द मैटर देन ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स वी ट्राई टू क्लासिफाई द मैटर तो यही हो जाता है बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मोलिकुलर लेवल पर या एटोमिक लेवल पर मॉलिकुलर और एटॉमिक लेवल पर क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हुआ अरे देखो जैसे मान लीजिए आपके मॉलिक्यूल्स जो है बहुत पास पास हो सकते हैं कई बार मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर हो सकते हैं कई बार मॉलिक्यूल्स स्थिर हो सकते हैं या उनमें बहुत कम मोशन हो सकता है बच्चों कई बार उनमें बहुत ज्यादा मोशन हो सकता है सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स सो

एटोमिक और मोलिकुलर लेवल पर क्लासिफिकेशन सो दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज फिजिकल क्लासिफिकेशन अब बच्चों आता है केमिकल क्लासिफिकेशन अब केमिकल क्लासिफिकेशन में उतनी उतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है ये एक मैक्रोस्कोपिक लेवल का क्लासिफिकेशन है मतलब हमें मोलिकुलर लेवल पर स्टडी नहीं करनी है हमें बस क्या देख लेना है Uh, उसका केमिकल भी जान लेते हैं कि केमिकली अगर इफ यू क्लासिफाई मैटर देन इट इज ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस फर्स्ट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस एंड द सेकेंड इज मिक्सचर सेकेंड इज मिक्सचर तो ये हो गया मतलब इसमें क्या होता है कि दिस इज माइक्रोस्कोपिक लेवल और यहां पर क्या था बच्चों माइक्रोस्कोपिक लेवल यहां मॉलिक्यूल्स को प्रॉपरली आपको स्टडी करना पड़ेगा यहां आप देख के ही बता सकते हैं कि ये भाई प्योर सब्सटेंस है और ये मिक्सचर लेंड केमिकल अब भाई फिजिकल क्लासिफिकेशन को थोड़ा विस्तार में समझें केमिकल को भी थोड़ा विस्तार में समझें देखिए बात अगर फिजिकल या माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन की हो तो हमने अभी समझा कि भाई तीन तरह का हो सकता है मैटर सॉलिड लिक्विड गैस नाउ यू लुक एट दिस दिस फोटोग्राफ इन दिस फोटोग्राफ द फर्स्ट फिगर रिप्रेजेंट अड सेकेंड रिप्रेजेंट लिक्विड एंड द थर्ड रिप्रेजेंट गैस नाउ यू लुक एट एट द सॉलिड तो आप देखेंगे कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आप इनको मॉलिक्यूल्स भी कह है सकते हैं सो दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली हेल्ड विथ ईच अदर बहुत ही एक दूसरे से देखो एकदम स्टिक किए हुए रखे हुए हैं

किसी में ज्यादा गैप है किसी में कम गैप है और नेचुरली इनके बीच में जो गैप है मॉलिक्यूल्स के बीच के जो गैप है दीज गैप्स आर मच हायर देन सॉलिड सॉलिड में तो कुछ गैप नजर ही नहीं आ रहा है देखें तो यहां पर लेकिन ऐसा नहीं कि होता नहीं है वेन यू विल स्टडी अबाउट सॉलिड स्टेट सो सेपरेट चैप्टर इन योर केमिस्ट्री करिकुलम विच इज फॉर क्लास ट्वेल्थ उसमें आप देखेंगे कि सॉलिड्स में भी गैप होते हैं बट दीज गैप्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन कम्पेरिजन टू दीज लिक्विड्स यहां पर कोई पैटर्न ही नहीं है अच्छा नाउ इफ यू लुक एट गैस द गैप इज इवन लार्जर देन लिक्विड्स देखो कितनी दूर दूर ये सब पार्टिकल्स बिखरे पड़े हुए हैं और इन्होंने क्या है कि एकदम पूरे जार को जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है भले ही काफी दूर दूर है बट उन्होंने पूरे जार को ऑक्यूपाई कर रखा है इन विच दिस गैस इज फील्ड तो यही डिफरेंस है क्या डिफरेंस है सॉलिड में क्या होते हैं पार्टिकल्स आर क्लोजली हेल्ड विथ ईच अदर लिक्विड में दैट क्लोजली हेल्ड पैकिंग इज स्लाइटली थोड़ा सा ढीला हो जाता है यहां तो एकदम कोई मतलब ही नहीं है यहां तो कोई किसी को पकड़े ही नहीं है सब एक दूसरे से जुदा है ओके okay. तो ये है बच्चों माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देख पा रहे हैं देन ओनली हम बता पाएंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस का एक्चुअल मतलब क्या है वैसे तो देख के ही बता सकते हैं बट एक्चुअल मीनिंग मोलिकुरल लेवल पे क्या होता है सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग नाउ अब कुछ बातें सॉलिड लिक्विड गैस की हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सॉलिड का क्या होता है वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और शेप भी फिक्स्ड होता है hmm? एक सॉलिड टुकड़ा है आपका वो हमेशा वैसे ही रहेगा ऐसा नहीं कि कभी वो क्यूब है तो कभी फैल के स्फीयर हो गया तो कभी कुछ हो गया ऐसा तो नहीं हो सकता देन इट इज नॉट अ सॉलिड

गैस जिस कंटेनर में रखी जाती है टेक्स द वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर एंड शेप तो इसका फिक्स है ही नहीं शेप तो लिक्विड का भी फिक्स नहीं है जिस कंटेनर में जाएगी उसी का शेप ले सो दिस इज ब्रीफ डिस्कशन ऑफ सॉलिड लिक्विड इन गैस अब जो सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए सेपरेट इनको डिटेल में पढ़ने का भी है तो सॉलिड वी विल स्टडी इन सॉलिड स्टेट गैस वी विल स्टडी इन कैसियस स्टेट बोथ दीज टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन केमिस्ट्री दिस इज इन अलेवेंथ दिस इज इन ट्वेल्थ बट लिक्विड स्टेट इसको हम लोग फिर फिजिक्स में पढ़ते हैं सो दट इज इन फ्लूड मैकेनिक सो चलिए तो अब भाई सॉलिड लिक्विड गैस समझ लिया सर अब जरा ये भी देख ली कि क्या इन्हें हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे में डू वी हैव सम मेथड डेफिनेटली कैसे इफ यू हीट अ सॉलिड इट विल मेल्ट है ना सॉलिड विल मेल्ट और मेल्ट हो जाएगा बच्चों तो लिक्विड बन जाएगा अच्छा फिर अब अगर लिक्विड को हीट करने लग जाए तो बोलते हैं लिक्विड विल बॉयल अब लिक्विड बॉयल होगा तो फिर वो गैस बन जाएगाट्स इट मेल्ट एंड कन्वर्ट्स इंटू लिक्विड एंड इफ लिक्विड हीट्स इट बॉयल्स एंड कन्वर्ट्स इंटू गैस अच्छा ठीक है सर हमें सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए यानी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है करेक्ट ओके लिक्विड से गैस बनाने के लिए भी टेम्परेचर बनाना पड़ रहा है एकदम सही गर्म करना मतलब टेम्परेचर बढ़ाना अच्छा तो सर अगर हम एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या हम सॉलिड से गैस तक पहुंच सकते हैं लिक्विड पता ही ना चले पहुंच सकते हैं बच्चों सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सबली सपोज यू हैव यू आर हैविंग अ सॉलिड मैटर तो इफ यू स्टार्ट हीटिंग इट एन एंड हीट अप टू सच अ टेम्परेचर इट स्टार्ट मेल्ट डाउन तो बच्चों दिखेगा लेकिन आप क्या करें कि उस सॉलिड मैटर को आप अचानक से इतना ज्यादा गर्म कर दीजिए कि लिक्विड स्टेट आ ही ना पाए सीधा क्या वो गैस ही में कन्वर्ट हो जाए है ना तो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन So, melting is a process, boiling is another process, and the third process is sublimation. In all three processes, we are increasing the temperature. Achha, now, can we have a reverse way to convert gas into liquid and liquid into solid, or gas to direct solid? Of course, we have. अभी क्या हो रहा था बच्चों जब हम बाएं से दाएं जा रहे थे तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे लेकिन अगर हम दाएं से बाएं जाएंगे तो हमें टेम्परेचर कम करना होगा तो गैस से लिक्विड जाने के लिए हमें टेम्परेचर को रिड्यूस करना होगा मीन्स वी विल हैव टू कूल द गैस तो अगर गैस को थोड़ा ठंडा कर दीजिए तो हमें लिक्विड मिल जाता है बच्चों जैसे आप देखें स्टीम को अगर हम थोड़ा सा ठंडा कर दें टेम्परेचर कम कर दें तो इट कंडेंस इन टू वॉटर तो गैस को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करना बच्चों दिस प्रोसेस इज कंडेशन फिर लिक्विड को और ठंडा करके सॉलिड में बना देना दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग जैसे आप अपने फ्रीजर में पानी रख देते हैं तो इट कन्वर्ट इन टू आइस सो दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग जहां पर वो सॉलिड बन जाता है अब भाई गैस का टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन कर दें कि लिक्विड की बारी ना पाए सीधा ही सॉलिड बन जाए दैट्स आल्सो पॉसिबल सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन मतलब अचानक से इतना टेम्परेचर गिरा दीजिए कि वो जो भाप है या जो स्टीम है से पानी का वो अचानक से क्या हो जाएगी कि कि सॉलिड बन जाए जैसे बादलों में होता है सो दैट इज डिपोजिशन तो ये बात समझ आई कि ये जो इंटर कन्वर्जन है बच्चों थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर का वो इंटर कन्वर्जन टेम्परेचर के चेंज होने से हो रहा है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस या सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी पहुंच सकते हैं और गिरा रहे हैं बच्चों तो गैस से लिक्विड लिक्विड से सॉलिड या डायरेक्ट गैस से सॉलिड भी पहुंच सकते हैं सो दिस इज वन पार्ट तो ये तो बात समझ आ गई कि मैटर का कन्वर्जन टेम्परेचर के चेंज करने से होता है लेकिन अब ये बात भी तो समझना जरूरी है कि ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बन रहा है तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ऐसा क्यों चेंज हो रहा है क्या टेम्परेचर से कोई संबंध है बिल्कुल देखो क्या होता है बच्चों होता क्या है कि जो मैटर है उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और यू कैन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो क्या होता है पहले बच्चों के एज यू इंक्रीज टेम्परेचर वॉट हैपन्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फास्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि ये जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो थोड़ा सा तेज हो जाता है फास्टर हो जाता है अब जरा सोचिए अभी पीछे पड़ आए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ना के बराबर सब एक दूसरे से एकदम चिपके हुए बैठे रहते हैं लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा मूव करने लगते हैं और गैस क्या होता है उसमें तो फिर कोई बात ही नहीं तो अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मूवमेंट बढ़ता जाएगा तभी तो अब अब मूवमेंट बढ़ाने का ही मतलब तो है कि हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो मूवमेंट बढ़ाना है अच्छा मूवमेंट थोड़ा और बढ़ाना है तो फिर हम गैस में पहुंच जाएंगे तो व्हाट इज द टूल

कहने नहीं नहीं हमको भाई गैस से लिक्विड पर जाना है और लिक्विड से सॉलिड पर जाना है तो आप क्या चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप अपना मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स का है यू वांट टू रिड्यूस दैट तो अगर गैस से लिक्विड जाना है तो आपको क्या करना है मूवमेंट कम करना है यानी काइनेटिक एनर्जी घटाना है तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी घटाना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर रिड्यूस कर दीजिए मतलब क्या हुआ अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें तो क्या होगा खुद काइनेटिक एनर्जी नीचे चली जाएगी और जो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट हैं बच्चों वो मूवमेंट्स स्लो हो जाएंगे मूवमेंट स्लोअर दैट्स ऑल वी नीड अगर हम गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में जाना चाहते हैं हु? देखो लिखा हुआ है अगर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड मीन बैकवर्ड जाना चाहते हैं तो यू

देखें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई केमिकल क्लासिफिकेशन अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करी जा रही है तो अपना जो सॉलिड होता है उसे भाई दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फर्स्ट इज मिक्सचर एंड द सेकंड इज प्योर सब्सटेंस सेकंड वाज प्योर सब्सटेंस तो अब ये मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के विषय में थोड़ा सा देखें इनको डिटेल में क्या होता है तो पहले मिक्सर से चलो स्टार्ट करते हैं मिक्सर क्या है मिक्सर क्या हो जाता है बच्चों अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर कंपाउंड इन एनी रेशियो भाई मिक्सर है तो कम से कम दो चीजें होनी चाहिए उसमें दो कंपाउंड्स होने चाहिए ज्यादा भी हो सकते हैं उनका रेशियो फिक्स नहीं है मतलब मिक्सचर है तो कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता है अब इस बात का क्या मतलब है मिक्सचर है तो कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों यही यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रेशियो फिक्स नहीं रहता है विच डिस्टिंग टू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस यू विल सी लेटर तो मिक्सचर क्या हो गया बच्चों जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स जो है किसी भी रेशियो में मिला दिए जाए कंपोजिशन फिक्स नहीं है सो दीज कंपाउंड आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर तो ये जो कंपाउंड्स जो है जो आपस में मिलकर बनाते हैं मिक्सचर को जिन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर भी कहते हैं जैसे एयर सुगर वाटर सॉल्यूशन एक्सेट्रा ये सब मिक्सचर है एयर इज मिक्सचर ऑफ सो मेनी सुगर वाटर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू या टू कॉम्पोनेंट कौन कौन सी कॉम्पोनेट फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज सुगर एंड द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज वॉटर तो अब ये जो मिक्सचर है मिक्सचर में दो या दो से अधिक चीजें होती ये बात तो सबको पता है लेकिन इस बात को थोड़ा हम समझ लें अगर तो फिर आगे हमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में भेद करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि किसी भी रेशियो में मिला दीजिए तो मिक्सचर होता है देखें जैसे जैसे कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सुगर एंड वाटर हम यह समझना चाहते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड what दिस लाइन एक्चुअली means इज अ वेरी important लाइन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन तो अगर हम शुगर और वॉटर का एक मिक्सर देखें तो कैसे कैसे बना सकते हजार तरीके हैं चाहे जैसे बना दो किसी का मन है सो एम एल वाटर में एक स्पून शुगर डाल दे तो, तो भी वो शुगर वाटर का ही मिक्सर कहलाएगा किसी का मन है तो उतने ही पानी में क्या करे एक की जगह दो स्पून डाल दे तो भी कहेगा नहीं भाई हमारा मिक्सर भी शुगर वाटर मिक्सर ही है किसी तीसरे का मन ने वो कह क्या, 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 क्या करे तीन चम्मच चीनी डाल दे उतने ही पानी में तो वो भी कहेगा नहीं हमारा मिक्सचर सुगर वाटर मिक्सचर ही है तो सबके सब सुगर वाटर मिक्सचर ही है हं? तो सुगर और वाटर का मिक्सचर बनाने के कितने तरीके हैं इन वेज आर पॉसिबल यू यू जस्ट चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ शुगर एंड वाटर एंड यू विल गेट अ डिफरेंट मिक्सचर बट ऑल द मिक्सचर आर सेट टू बी मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर

वो शुगर वाटर की जगह कुछ और हो जाएगा कुछ तो वही रहेगा ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मिक्सचर का जो है कॉम्पोजिशन के मामले में कोई माई बाप नहीं है खूब बदलते है, कोई नहीं अच्छा अब बच्चों ये जो मिक्सचर होते हैं ये भी दो कैटेगरी में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म सेकेंड इज बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अभी होमोजेनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर का मतलब क्या है देखें मिक्सर के जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों जिनसे मिलकर मिक्सर बनता है इफ दीज कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड विथ ईच अदर कंप्लीटली मिक्स्ड विथ ईच अदर देन इट इज होमोजेनियस एंड इफ कंपोनेंट्स आर नॉट कंप्लीटली मिक्सड विथ ईच अदर देन इट इज इट इज हेट्रोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इस इस हेट्रोजीनियस को एक वर्ड और यूज भी किया जा सकता है वी कैन ऑल्सो कॉल इट नॉन होमोजीनियस मिक्सचर नॉन होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस यू कैन ऑल्सो से तो यहां पर कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं कॉम्पोनेंट्स मतलब आगे भी गुंजाइश रहती कि को और ठीक से मिलाया जा सकता है लेकिन यहां पर कंप्लीटली मिक्स्ड रहते हैं जैसे जैसे एक एग्जांपल आपको समझाते हैं जैसे मान लीजिए आपकी माता जी ने आपको एक गिलास दूध दिया और उसमें एक चम्मच चीनी डाल दी चीनी को अगर ठीक से उन्होंने मिलाया हुआ है मिक्सर दूध में तो क्या होगा कि आपको जो दूध का टेस्ट होगा वो यूनिफॉर्म टेस्ट आएगा बच्चों यू विल हैव अ यूनिफॉर्म स्वीटनेस इन दैट वन ग्लास ऑफ मिल्क आप गिलास पीना स्टार्ट करेंगे आपको शुरुआत में उसका जो टेस्ट आएगा वही टेस्ट थ्रू आउट द मिल्क आता जाएगा पूरा ग्लास फिनिश कर देंगे अगर मान लीजिए उन्होंने क्या किया दूध में चीनी डाली लेकिन कुछ और काम आ गया और वो जो है चीनी को ठीक से मिलाना भूल गई और कह लो चलो पी लो दूध तो तुम दूध पीना स्टार्ट करोगे तुम कहोगे मम्मी इसमें चीनी नहीं डाली इन नहीं नहीं डलिए डलिए डली थोड़ा और पियो तो तुमने थोड़ा और पिया तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा चीनी का टेस्ट आएगा फिर जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आखिरी में देखोगे पूरा का पूरा चीनी एकदम मीठा हो जाएगा पूरा चीनी चीनी दिखेगी दैट इज हाइड्रोजीनियस बच्चों तो यू हैव अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड शुगर एंड इफ इट इज परफेक्टली मिक्सड इफ इट इज परफेक्टली मिक्सड शुगर वाटर सोल्यूशन दिख दिया मैंने शुगर मिल्क की बात कर रहे हैं चलो शुगर वाटर में भी वही सेम चीज है तो अगर परफेक्टली मिक्सड होगा तो यूल है यूनिफॉर्म टेस्ट मतलब उस सोल्यूशन के हर हिस्से में दूध और चीनी का जो रेशियो रहेगा वो एक जैसा रहेगा लेकिन अब क्या हो उसको ठीक से मिला ही नहीं गया कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए कंपोनेंट्स तो क्या होगा अलग हर हिस्से में चीनी और दूध का जो रेशियो होगा वो अलग अलग होगा कहीं चीनी ज्यादा होगी कहीं दूध ज्यादा होगा तो सो दैट इज द हेट्रोचीनियस मिक्सचर तो एक तो ये बात हो गई कि कंपाउंड अगर कंप्लीटली मिक्सड होते हैं देन वी कॉल इट होमोजीनियस कंप्लीटली मिक्स नहीं भी होते देन इंड वी कॉल इट हैोजीनियस अच्छा अब जो मैंने अभी बात बताई वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है अगर हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है तो डेफिनेटली इट हैज अ यूनिफॉर्म कम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर लेकिन यहां पर क्या होता है हाइट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं रहेगा कहीं कुछ ज्यादा तो कहीं कुछ कम सो दैट इज द डिफरेंट कॉम्पोजिशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द मिक्सचर। जैसे भी मैंने बताया कि ठीक से मत मिलाइए चीनी को और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे जैसे ग्रेन्स एंड पल्स विथ डर्ट जैसे क्या होता है ना बच्चों जब आ, अगर आप रॉ पल्स जो ठीक से क्लीन ना किया हो सीधा जो खेत में पैदा होता है वहां से जब कलेक्ट किया जाता है पल्स तो क्या होता है कि कि जो अनाज के दाने हैं या दाल हैं उनमें क्या है कि धूल लक्कड़ भी आ जाती है बच्चों तो अब उसका कॉम्पोजिशन और ग्रेन्स का कॉम्पोजिशन फिक्स थोड़ी होगा कहीं जो है कम गंदगी होगी कम डर्ट होगी तो कहीं ज्यादा डर्ट होगी सो दिस जस्ट सिंपल एग्जाम्पल और एक एग्जांपल तो अभी हमने समझे कि पाइप चीनी को ठीक से ना मिलाइए तो दैट इज हाइट्रोजीनियस और नॉन होमोजीनियस मिला दीजिए तो तो होमोजीनियस हो गया तो ये हो गया बच्चों मिक्सचर के दो डिफरेंट टाइप फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकेंड इज हाइट्रोजीनियस और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट नॉन होमोजीनियस मिक्सचर अब केमिकल जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो दूसरी क्लास है कंपाउंड्स की मैटर की सो दैट इज प्योर सब्सटेंस फर्स्ट क्लास वॉज मिक्सर एंड सेकेंड क्लास इज प्योर सब्सटेंस वॉट इज प्योर सब्सटेंस अब जैसे एक बात तो एकदम मन में पक्का आती है एक बार एक चूंकि अगर साइंटिफिकली ना पढ़ा जाए तो मिक्सर में तो सर दो या दो से अधिक चीजें होती हैं तो सर प्योर सब्सटेंस में एक ही चीज होगी इसमें मिक्सर नहीं होगा तो एक बात मन में आएगी कि प्योर सब्सटेंस मींस देयर इज ओनली वन कॉम्पोनेंट दिस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग प्योर सब्सटेंस डेसेसरिली मीन अ सिंगल एलिमेंट और सिंगल कॉम्पोनेट ओनली हो भी सकता है अगर एक ही कॉम्पोनेंट होगा तब तो प्योर सब्सटेंस है ही लेकिन अगर एक से ज्यादा कॉम्पोनेंट होंगे तब भी प्योर सब्सटेंस हो सकता है अ प्योर सब्सटेंस कैन हैव मल्टीपल कॉम्पोनेट जैसे कि मिक्सचर में होते हैं तब तो सरियेगा जब बात हो गई अब एक से ज्यादा कॉम्पोनेट मिला रहे हैं आप तो, तो मिक्सचर ही होगा ना प्योर सब्सटेंस कहां रहिए प्योर सब्सटेंस का मतलब उसमें कुछ मिलावट ना हो नहीं बच्चों देखो इस बात को समझो इस बात को ठीक से समझो जैसे हम बात करें एक एग्जांपल से समझते हैं से पानी ही ले लें वॉटर ही ले लें तो वॉटर प्योर वॉटर होता है कि नहीं होता है वॉटर एक प्योर सब्सटेंस है तो क्या वॉटर में एक ही कंपोनेंट है नहीं वॉटर में भी बच्चों दो कंपोनेंट्स होते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अरे हाँ वॉटर में तो यार दो चीजें हो गई ओके 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 इसका मतलब तो सर वाटर फिर मिक्सचर होना चाहिए नहीं वाटर तो मिक्सचर नहीं होता है ये तो प्योर सब्सटेंस ही होता है ऐसे कुछ भी ले सकते हैं ऐसे चलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो प्योर कार कोई कहे कि भाई एक काम करिए हमको प्योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दीजिए तो वो भी प्योर ही हुआ तो क्या प्योर कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही एलिमेंट होता है अरे सर यहां तो दो है कार्बन भी ऑक्सीजन भी ओके 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 सल्फ्यूरिक एसिड जरा बात करें गैस में एक ही कंपोनेंट होता है अरे नहीं सर इसमें तो तीन है तब तो मामला फंस गया सर मिक्सचर में भी एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं और ये तो प्योर सब्सटेंस में भी एक से ज्यादा हो जा रहे हैं अच्छा लेकिन हाइड्रोजन की बात करें एच गैस प्योर हाइड्रोजन गैस कितने कॉम्पोनेंट सर एक ही हाइड्रोजन एटम ही है और तो कुछ है नहीं प्योर ऑक्सीजन गैस सर इसमें भी सर एक ही कॉम्पोनेंट है बस ऑक्सीजन ही और कुछ नहीं है तो ये प्योर सब्सटेंस बच्चों सिंगल कॉम्पोनेंट के हो गए सिंगल कॉम्पोनेंट और ये प्योर सब्सटेंस बच्चों मल्टीपल कॉम्पोनेट्स के हो गए मल्टीपल कॉम्पोनेट्स तो फिर एक बात थोड़ा स्पष्ट होनी चाहिए कि सर मिक्सचर में भी मल्टीपल कॉम्पोनेट्स और प्योर सब्सटेंस में भी हो सकते हैं मल्टीपल कॉम्पोनेट वैसे प्योर सब्सटेंस सिंगल कॉम्पोनेंट के भी हो सकते हैं तो फर्क क्या रहेगा सर इसमें मिक्सचर में, में? फर्क है बहुत फर्क है देखो क्या फर्क है इफ प्योर सब्सटेंस हैज मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स देन दीज कॉम्पोनेंट्स मस्ट बी इन फिक्स रेशियो देस द डिफरेंस दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस मस्ट बी इन फिक्सड रेशियो मस्ट बी इन फिक्सड रेशियो अगर प्योर सब्सटेंस मल्टीपल कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है तो उसमें रेशियो फिक्स रहना चाहिए लेकिन अभी क्या देखे थे कि पानी और चीनी का हमें सोल्यूशन बनाना है तो कोई फिक्स नहीं था चाहे जितना चम्मच चीनी डालो चाहे जो पानी डालो सब सॉल्यूशन ही माना जाएगा सब उसका पानी और उसका मिक्सचर ही माना जाएगा चीनी का लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां जो है कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होते हैं अगर मल्टीपल कॉम्पोनेंट हैं कैसे देखो जरा देखो जरा कैसे कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होते हैं जैसे आप पानी की बात कर लेते हैं

देन इट इज फिक्स दैट इट मस्ट बी हैविंग टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू इंस टू वन का रेशियो होना चाहिए एटम्स की अगर बात करें तो हमेशा दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का होना चाहिए प्यारे बच्चों अच्छा लेकिन कोई कहे नहीं 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 हमें ऐसा पानी चाहिए जिसमें कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं और हम भी हम कहेंगे लेकिन वही पानी है हम क्या करेंगे तीन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ऐटम मिलाएंगे तो क्या पानी नहीं रहेगा नहीं रहेगा पानी नहीं रहेगा कुछ और हो जाएगा वॉटर नहीं रहेगा ये तो यही फर्क है बच्चों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन दो ऑक्सीजन कोई कहने लगे नहीं 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 हम एक कार्बन के साथ कुछ और ऑक्सीजन मिलाना चाहते हैं दो की जगह तीन करना चाहते हैं तो नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी ये बात ठीक से समझ आनी चाहिए प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ सब्सटेंस का मतलब हुआ कि रेशियो फिक्स्ड होता है बच्चों इफ देयर इज अ प्योर सैंपल ऑफ वाटर इट विल ऑलवेज ऑक्सीजन आप चाहे जहां से पानी लीजिए ऐसा नहीं होगा कि तालाब के पानी में कुछ और हो गया नदी के पानी में कुछ और हो गया ऐसा नहीं होता है बच्चो हा? चलो तो ये तो बात तुम सीख लिए कि प्योर सब्सटेंस भी मल्टीपल कॉम्पोनेट के हो सकते हैं लेकिन रेशियो फिक्स रहता है और मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं रहता है अच्छी बात अब जैसे अभी प्योर सब्सटेंस की बात की तो भाई दो तरह के हो गए एक तो हो गए सिंगल कंपोनेंट्स और एक हो गए मल्टीपल कंपोनेंट्स तो ये जो सिंगल कंपोनेंट्स वाले प्योर सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों इन्हें हम नाम देते हैं एलिमेंट्स सो दीज आर द सिंगल कंपोनेंट प्योर सब्सटेंसेस और एक जो दूसरी कैटेगरी है Substances की, जैसे कि की पानी था वी आर मल्टीपल कॉम्पोन एग्जिस्ट मल्टीपल एंड प्योर सब्सट एक कैटेगरी हो गई एलिमेंट और दूसरी कैटेगरी केटे, हो गई प्यारे बच्चों कंपाउंड तो एलिमेंट और कंपाउंड तो एक तो समझ में आनी चाहिए कि यह सिंगल कॉम्पोनेंट और यह मल्टीपल कॉम्पोनेंट उसी को वर्ड्स में ऐसे लिखा गया है कि इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड इट कंटेन्स एटलीस्ट टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स तो ये तो ऊपर ही लिख दिए ठीक अब ये जो एलिमेंट होते हैं ये दो तरह से बच्चों एग्जिस्ट कर सकते हैं कैसे ये तो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जैसे सोडियम कभी भी हम लोग एन नहीं पढ़ते केवल एन ही रहता है जिंक कभी भी जेड एन टू नहीं पढ़ते हैं जेड एन ही रहता है तो ये बच्चों ऐसे एलिमेंट्स हैं ऐसे प्योर सब्सटेंसेस हैं जो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं दो सोडियम या चार सोडियम मिलके मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं है ना सोडियम अपने आप में एक यूनिट है लेकिन अगर ऑक्सीजन का सैंपल लें तो उस सैंपल में आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ओ टू के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक सैंपल बनाएंगे यहां अगर कोई सोडियम का सैंपल ले तो If you are having say a block of sodium metal, then what happens? वो उसमें हर यूनिट एक, एक एटम ही होगा बच्चों मॉलिक्यूल्स नहीं होगा उसमें हर यूनिट ऑक्सीजन के सैंपल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा ऐसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा तो दो दीज आर मॉलिक्यूल्स, बट बट मॉलिक्यूल्स में भी ऑक्सीजन ही है बच्चों दो ऑक्सीजन मिलकर एक मोलिक्यूल बना दिए दो हाइड्रोजन मिलकर एक मोलिक्यूल बना दिए सो देर इज ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल चाहे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो चाहे एटॉमिक फॉर्म में हो तो ये तो बात हुई एलिमेंट की अब जैसे कंपाउंड की बात करिए तो कंपाउंड में क्या सीखे कम से कम दो तरह के पार्टिकल्स होने ही चाहिए जैसे वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड है अब क्या सोचिए कि कंपाउंड कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है यानी एक ही एटम हो उसको कंपाउंड बोल दे नेवर सो अ कंपाउंड कैन नॉट बी एन एटम अ कंपाउंड कैन नॉट बी एन एटम इट ऑलवेज एग्जिस्ट है तो एलिमेंट बच्चों जो होते हैं वो एटम भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं लेकिन कंपाउंड जो होंगे वो स्ट्रिक्टली मॉलिक्यूल्स ही होने चाहिए वो एटॉमिक फॉर्म में कभी एडजस्ट नहीं कर सकते प्यारे बच्चों हा? तो मुझे लग रहा तुम समझ गए क्या क्या समझे मैटर दो तरह के चलो एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं रफली मैटर कितने तरह का हुआ भाई तो हुई सर दो तरह का कौन कौन सा या मैटर के क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे तो सर फिजिकली कर दीजिए और केमिकली कर दीजिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कर दीजिए और उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कर दीजिए अच्छा ये लिखना नहीं है बच्चों बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये इस लेक्चर को अच्छा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सर कितने हो गए सर तीन तरह के हो सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस माइक्रोस्कोपिक पर या केमिकली कितने तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं सर दो तरह से कर दीजिए मिक्सर कर दीजिए और प्योर सब्सटेंस कर दीजिए अच्छा सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है तो सॉलिड हो गया कि जिसके मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड में तो जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हो थोड़ा सा ढीले हो जाएंगे तो लिक्विड थोड़ा सा और ढीला हो गया तो गैस सॉलिड से लिक्विड जाना है टेम्परेचर बढ़ा दीजिए गैस से सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस जाना है टेम्परेचर बढ़ा दीजिए गैस से लिक्विड लिक्विड से सॉलिड जाना है टेम्परेचर घटा दीजिए अच्छा मिक्सचर क्या हो गया दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स हो किसी रेशियो फिक्स ना हो चाहे जिस रेशियो में मिला दे तो मिक्सचर रेशियो फिक्स हो जाए या केवल एक ही कॉम्पोनेंट हो तो प्योर सब्सटेंस मिक्सचर भी सर दो तरह के कौन कौन से एक हो गया होमोजीनियस और एक हो गया हेट्रोजीनियस होमोजेनियस में ठीक से मिले हुए रहते हैं हाइट्रोजीनियस में ठीक से आपस में मिक्स नहीं रहते हैं प्योर सब्सटेंसेस भी सर दो तरह के एक हो गया सर एलिमेंट यानी सिंगल कॉम्पोनेंट प्योर सब्सटेंस और सर एक हो गया कंपाउंड मल्टीपल कॉम्पोनेट प्योर सब्सटेंस सो दिस इज ऑल अबाउट द मैटर एंड क्लासिफिकेशन थैंक यू बच्चों सो दिस लेक्चर लेक्स ओवर थैंक यू बच्चों